शुभजीत भट्टाचार्य, आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों आज आपको बताऊंगा वृषभ राशि का राशिफल 2020 का। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी डाउट करूँगा फिर नोटिफिकेशन आपका चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना भूलना उससे बिल्कुल फिर चलते। तो शुरू करते हैं दोस्तों वृषभ राशि 2019 कह लीजिए या फिर पिछले ढाई साल से जो परेशानी चल रही थी, मानसिक अशांति, फिनेंशियल प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा 2020। 2020 एक एंजल नंबर है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इस साल बहुत सारे सर्टेन एंड अनसर्टेन इवेंट होंगे आपके लाइफ में जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेंगे। दोस्तों कुछ इवेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया फल रहेगा और कुछ थोड़ा सा नेगेटिव समय रहता है, लेकिन कुल मिला के आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके 24 तारीख जनवरी हाउस से लेकर 9 हाउस में आ जाएंगे, जिसके कारण जो बीमारियां चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, ससुराल से जो परेशानी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके सितंबर के महीने में जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था वो ख़त्म होने लगा। इस समय खासकर जो पुजारी है दोस्तों या फिर धर्म कर्म के जो काम करते हैं दोस्तों, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस साल ऑलमोस्ट पूरे साल आपके पेस रिलेटेड थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो खान पान में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर आपके आपके 8 हाउस में आ जाएगा दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी होगी खान पान में। आप लोगों के लिए गोल्डन समय रहेगा दोस्तों मार्च से लेकर जून तक। इस समय आप अपनी लाइफ के सफलता के एक चरम सीमा तक जा सकते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे हो दोस्तों पढ़ाई में एक अच्छे रिजल्ट हो, इस समय बहुत ही बढ़िया समय आप लोगों के लिए रहेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके जॉब के रिगार्डिंग। जो लोग हाई अथॉरिटी पोजीशन पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अप्रैल से लेकर जून के महीने तक आपके लिए बहुत ज़्यादा खासा समय रहेगा दोस्तों। इस समय फॉरेन काम कर सकते हैं, फॉरेन अधिकारी बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो जॉब रिलेटेड आप काम करते हो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो लोग कमर्शियल काम करते हैं या फिर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए भी अच्छा समय रहेगा। खासकर जो लोग लोहा, पेट्रोल, कोयला, ये सब रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों, आपको थोड़ा सा काम और रिलैक्स रखना है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना है। इस समय ऐसा हो सकता है थोड़ा सा सीनियर आपको हिचकिचाने की कोशिश करे, सीनियर आपके पीछे लग जाए, आपको जो आप जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो आपको पदोन्नति हो रहा है, थोड़ा जेलस हो जाए पीपल, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपके बानी की तरफ बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। कहीं ना कहीं इस साल जॉब रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया रहेगा, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, बहुत कुछ आप चरम सीमा तक जाने की यहाँ पर नौबत है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। अगर जॉब रिलेटेड बात करो, जो लोग कैला, पेट्रोलियम, डीजल, कोई भी खनिज पदार्थ, जो ऐतिहासिक लोग हैं, जो पुराने चीज़ें ढूंढते हैं, एंटिक चीज़ें से कोई बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। पुजारी, ज्योतिष, इस तरह से कोई भी काम करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा दोस्तों। इसलिए कोई जॉब करते बिजनेस करते आपके लिए अच्छा समय रहेगा दोस्तों। किंतु आपको क्या करना है दोस्तों, आपके लिए खास करके सितंबर के महीने में लेन देन का बिजनेस थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगस्त से सितंबर का बिजनेस कोई ज़मीन जायदाद का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत ही खासा समय रहेगा, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। अप्रैल से लेकर जून तक आपके लिए अच्छा समय रहेगा बिजनेस के, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर के जो बिजनेस करते हैं दोस्तों, कंसल्टेंसी फार्म बिजनेस जो करते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर में आपकी इनकम में थोड़ा सा अपसेट डाउन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा पैसे थोड़ा सा संभाल के खर्च करना पड़ेगा। खास करके राहु जो वृषभ राशि में आ जाएंगे कुछ दिनों के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी दोस्तों। इस समय अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फॉरेन से जाके आप सेटलमेंट करना चाहते हैं बिजनेस का कोई, तो अप्रैल का महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास करके अप्रैल के 15 तारीख से आपके लिए अच्छा समय जाएगा बिजनेस के लिए। कुल मिला के बिजनेस का बहुत बढ़िया समय रहेगा, आप लोग रिलैक्स फील करेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप माता पिता से पूछ के कोई बड़ा डिसीजन ले या फिर कोई गुरु से पूछ के बड़ा डिसीजन ले, आपके लिए अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं एडुकेशन के लिए। कुल मिलाकर अप्स एंड डाउन्स की पोजीशन रहेगा, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, बहुत ही खासा समय भी रहेगा। खास करके जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कहीं ना कहीं साल के मध्य में आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील करेंगे अपने दोस्तों की तरफ या फिर परिवार के किसी काम में व्यस्त हो जाएंगे, पढ़ाई में मन नहीं दे पाएंगे। इस साल जितना मेहनत कर सकते उतना फल आपको नहीं मिलेगा, बाद में आपको फल ज़रूर मिलेगा दोस्तों।
इस साल अगर कोई फॉरेन में जाकर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री में जाके, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा दोस्तों। आप लोग कोशिश करते हैं, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो पढ़ाई में जो परेशानी चल रही, रिजल्ट जो ख़राब होने लगा था वो कई हद तक खत्म होने लगे, क्योंकि ढैया खत्म हो जाएगा, पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए, पढ़ाई में मन भी दे पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं रफ रिलेशनशिप की बात करूँ, इस साल शायद आपको जो बुरे रिलेशनशिप में आप पढ़े थे, किसी बुरे आदमी के बुरी औरत के पीछे कोई चक्कर था, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, अच्छा पार्टनर मिलने का सहयोग यहाँ पर देख रहा हो दोस्तों। कहीं ना कहीं जब दोस्तों आपके जुपिटर आपके नाइन हाउस पे आ जाएगा और नीच भंग राशि योग बनेगा, इस समय शादी के खासा योग रहेंगे, आप लोग उस समय मैरिट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जानवर के 24 साल के पहले मैरिट कर सकते हैं, प्यार को एक नेक्स्ट लेवल पे अलग स्टेप पे जाने का आपको मौका मिलेगा दोस्तों। कुल मिलाकर जो परेशान इस साल हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी गलत फहमी के कारण, किसी बड़े के कारण आपके लाइफ लिस्ट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिले, थोड़ा सा यहाँ पर कूल डाउन रहने का आपका समय है दोस्तों। अगर मैरिटल लाइफ फैमिली लाइफ की बात करूँ, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके भाई बहनों थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, परिवार में शादी योग के लिए दो समय में रहेगा, 24 तारीख तक जनवरी के, और दूसरा जबकि नाइन हाउस पर जाएंगे उस समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा दोस्तों। साल के एंड में और साल के मध्य में परिवार में कोई नया संतान आने की यहाँ पर प्राप्ति का योग हो रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं से आपकी फरवरी में, अगस्त में, अप्रैल में इस समय थोड़ा सा देश विदेश की यात्रा या फिर घूमने जाने का माहौल यहाँ पर बन रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप अपना वाणी के अगर कंट्रोल रखेंगे दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप अपने गलत शब्द के कारण दोस्तों परिवार में थोड़ा सा समस्या हो सकता है, आपको यहाँ पर खासा ध्यान रखना पड़ा। घर में शुभ मांगलिक कार्य का योग यहाँ पर देखा जा सकता है, आप धर्म कर्म में थोड़ा सा रुचि लेंगे, धर्म की तरफ थोड़ा सा रुचि जाएगा दोस्तों। परिवार में अच्छा भोजन बनेगा, आप लोग आनंद ले पाएंगे, कूल काम एंड रिलैक्स रहेंगे। कहीं ना कहीं इस साल आपके लिए मेंटल लाइफ बहुत ही बढ़िया जाएगा दोस्तों, खास करके जो बेटा जब मकर राशि पर जाएंगे और निजभंग राशि होगा, इस समय आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे अपने परिवार के लिए। अगर हेल्थ के बारे में बात करो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो लंबी बीमारियाँ चल रही थी वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पेस रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है। खान पान में खासा आपको ध्यान देना है, गलत खाना बहुत चीज़ें खाने से आपको बचना है, एक्सरसाइज प्राणायाम योग आपको ज़रूर करना है, मेडिटेशन करना है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास करके राहु जब आपके वृषभ राशि पर आएंगे, इस समय आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय जो दोस्तों आपके लिए बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट होंगे, जिसके कारण थोड़ा सा पैसा भी आपके हाथ में आ सकता है, तो आपको उस पैसे को खासा रखना पड़ेगा। इस समय लोन लेने से बचिए दोस्तों, लोन लेने से पहले एक दो बार सोच लीजिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। शत्रु आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा है दोस्तों। इस समय सितंबर के महीने में और अगस्त से लेकर सितंबर के महीने में आप ज़मीन जायदाद का खासा अनुभव ले सकते हैं। अगर फॉरेन में जाकर खरीदना चाहते तो अप्रैल का महीना आपको लेकर बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। साल के अंत में जाके पिता के साथ जो सहयोग बढ़ती है, तो एक नया फ्लैट खरीद सकते हैं। बहुत दिनों से ज़मीन जायदाद का जो समस्या चल रहा था, कहीं ना कहीं इस साल आपको उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पुराने प्रॉपर्टी बेच के नया प्रॉपर्टी खरीदना, कार का योग बहुत ज़्यादा में इस साल आप फरवरी में अप्रैल में साल के आखिर में थोड़ा घूमने जाने के योग है, ट्रैवलिंग करने के योग है, तो बहुत ही अच्छा समय आप लोगों के लिए जाएगा दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो यही तक था, मेरा वीडियो आपको पसंद आया ना बोलना, आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत अच्छे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय बाकी वीडियो भी देखते हैं ना।